जब अंदर से आवाज आती है कि यार थोड़ा सो लेते हैं, तो मेरे पापा के पॉकेट में रखे चिल्लर की आवाज मुझे जगा देती है। ये जिंदगी क्या सिखाएगी मुझे? मेरी जिंदगी के पहले टीचर मेरे पापा थे और मैंने उन क्लासों को अच्छी तरह सीखा है। ये जिंदगी क्या डराएगी मुझे? मैंने डर को पापा से हारते हुए देखा है। टूट टूट कर वापस जुड़ना मैंने पापा से सीखा है। जुड़ जुड़ के आगे बढ़ना मैंने पापा से सीखा है। यार पापा में एक बात तो होती है, जितने खड़ूस दिखते हैं ना उतने होते नहीं है। यार पापा में एक बात तो होती है, जितने मजबूत दिखते हैं ना उतने ही अकेले में आंसू जरूर बहाते हैं। रुक जाना मेरे लिए सबसे आसान है, पर रुक कैसे जाऊं? मेरे पापा के पसीने की बूंदे टपक रही है। सो जाना मेरे लिए आसान है, पर सो कैसे जाऊं? जाने कितनी रातें हो गई मेरे पापा को जगे हुए। बचपन में जब गिर जाता था तो पापा उंगली पकड़कर उठाते थे और बोलते थे कि शाबाश बेटा, कुछ नहीं हुआ। आज मेरे वही पापा खुद गिरने के कगार पे हैं। आज मेरे वही पापा इस ललकार पर है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरा बेटा मेरे साथ है। जिसको बाप की उंगली पकड़ने का मौका मिलता है ना, उसको जिंदगी में कभी और किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ मेरे खून में पहले से ही है जिद करना, हाँ मेरे खून में पहले से ही है जीतना। मेरी किस्मत तो मेरे पापा ने तभी लिख दी थी जब मुझे पेन पकड़ना सिखाया था। और ताजुब की बात है कि मैं अब भी किस्मत में कमियां निकालता हूं। जो बोलते हैं ना कि पापा तो ऐसे ही बोलते हैं, उनका काम है बोलना, वो लोग उनसे पूछे जिनके बाप नहीं है। अरे ये मुश्किलें क्या रोकेगी मुझे जब मेरे पापा बुखार में भी काम पर जाने से नहीं रुके? अरे ये दुनिया क्या डराएगी मुझे जब मेरे पापा ने इस डर को हमेशा हराया कि कल के राशन का क्या होगा, कल की मजदूरी का क्या होगा, मेरी फीस का क्या होगा? मुझे तो पता ही नहीं था आज से पहले कि जिस तरह से मैं अपने पापा को मेरा हौसला समझता हूँ, उसी तरह से मेरे पापा का हौसला मैं हूँ। क्योंकि वो हर दिन इस हिम्मत से काम पर जाते हैं कि मेरा बेटा पढ़ रहा है ना, वो बड़ा हो रहा है ना, और मैं देख क्या कर रहा हूँ यहाँ। जिस भगवान जैसे बाप ने मेरी किस्मत लिखी, उसी की किस्मत में कांटे लिख रहा हूँ मैं देख क्या कर रहा हूँ। जिस इंसान को देखकर मैं बचपन में किसी भी पत्थर को, किसी भी गड्ढे को पार कर जाता था, ये सोचकर कि क्या डर है यार, उस पार मेरे पापा खड़े हैं ना, आज उसी व्यक्ति को मैं अपनी आजादी के बीच में आने वाली दीवार मान रहा हूँ। अरे अगर कोई तुम्हारी सफलता से खुश होगा ना, तो वो या तो तुम खुद होंगे या तुम्हारे माँ बाप होंगे। मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ जिनके पापा नहीं है। इसलिए फिक्र मत करना दोस्त, तुम वो बनना जो तुम्हारे पापा अपनी जिंदगी में कभी नहीं बन पाए, लेकिन उस जगह पर तुम्हें हमेशा देखना चाहते थे। और अगर यह भी नहीं पता कि वो तुम्हें क्या बनता हुआ देखना चाहते थे, तो मैं बताता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करके सफल होने वाला एक इंसान। जय हिंद, वंदे मातरम।